हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में पार्ट वन में हमने कवर किया था, लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि जो फोर्थ एडिशन के हिसाब से है सेफ्टी कमिटी जो आपके राउंड्स करेगी, और फिफ्थ एडिशन में ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। तो आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पार्ट टू शुरू करते हैं। पार्ट वन का ही कॉन्टिन्यूटी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। NABH की जो फिफ्थ एडिशन की गाइड बुक है उसमें एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 1D, FMS का 1D, फर्स्ट स्टैंडर्ड का D ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड करें तो उसकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आप NCs जो फाउंड कर रहे हैं, जो भी आपको मिलती है नॉन कम्प्लायंसेस, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट करें और उसका कापा लें। और यही फाइंडिंग्स जो हैं आपके चेकलिस्ट में जो रिमार्क्स कॉलम होगा वहाँ पे आप लिखते जाएंगे, जैसे कि आपके कुछ पैरामीटर्स हैं कम्प्लायंसेस, नॉन कम्प्लायंसेस, पार्शियल कम्प्लायंसेस, देन रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में भी आप चेकलिस्ट में साथ साथ में लिखते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सभी में तो हम जो भी NCs निकालते हैं कापा तो लेते ही लेते हैं। सिमिलरली क्या है फोर्थ एडिशन में भी ये कहा गया है कि जो भी आपकी इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स निकलती हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है, उनके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं फर्दर। NABH फिफ्थ एडिशन में क्या है, जो FMS 1D है, कैटेगरी D है, वो हमारी है कमिटमेंट कैटेगरी, ठीक है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर आता है। इसका मतलब ये है कि आपने नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि आपकी जो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना रहे और वो मेंटेन रहे आपके हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर फॉल करता है और इसको आपने कंप्लाई करना ही करना है। NABH फिफ्थ एडिशन में FMS, अभी हम FMS 1D की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है फिफ्थ एडिशन में ये चीज़ें बोली गई हैं कि फैसिलिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो आपकी रिव्यू होनी चाहिए मंथली बाय सेफ्टी कमेटी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एज सच उसमें कुछ डिफाइंड नहीं है कि सेफ्टी कमेटी ही आपकी राउंड करेगी, बट जो रिव्यू करेगी वो आपकी सेफ्टी कमेटी करेगी और इस पे ही करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी होंगे आपके अप्रोप्रिएट करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेगी। तो पार्ट वन में जहाँ पे हमने खत्म किया था वो ये था कि NABH फिफ्थ एडिशन में सेफ्टी कमेटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ एडिशन में कहा गया था कि सेफ्टी कमेटी ही आपके राउंड्स करेगी। अब इसमें क्या है, जो रिव्यू होगा आपके राउंड्स का वो सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स ही करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि आप प्रेफर कीजिए कि आपकी सेफ्टी कमेटी ही राउंड करे। जो भी आपको NCs मिली है राउंड करते टाइम, तो उन राउंड्स को आपने जो है उन जो चेकलिस्ट है और जो उन राउंड्स की फाइंडिंग्स है उनको कम से कम 1 accreditation साइकिल तक आपने संभाल के रखना है, ठीक है। NABH accreditation साइकिल आपने उसको संभाल के रखना है, उसके एविडेंसेस को, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि रेगुलरली जो भी आप NCs फाउंड करेंगे वो तो वो देखेंगे कि आप जो है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपके एविडेंसेस होंगे राउंड्स के वो आप चाहे चेकलिस्ट के साथ में लगा लीजिए कि जो जो भी आपको NCs मिली है साथ साथ में आपने उनको क्लोज करते गए हैं, या फिर आप एक सेपरेटर आते हैं, सेपरेटर शीट्स आती हैं, उसके अंदर जो है अपना NCs का नंबर लिख के और उन शीट्स के अंदर जो है आप अपने एविडेंसेस लगा सकते हैं। सिमिलरली क्या है, NABH फोर्थ एडिशन में भी यही कहा गया है कि आपने जो एविडेंसेस हैं वो एटलीस्ट 1 accreditation साइकिल तक संभाल के रखने हैं ताकि जो इंस्पेक्टर्स हैं वो चेक कर पाए। अब इसमें क्या है कि आपने फोर्थ एडिशन में ये लिखा हुआ था कि आपने पीरियोडिकली जो है उसको रिव्यू करते रहना है, जो आपके इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी वो, ठीक है, तो साथ ही साथ में आप उसको रिव्यू करते जाएंगे। ये आपके आई थिंक FMS जो है 1F में लिखा गया है NABH फोर्थ एडिशन का। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर डिफरेंस भी मैं आपको साथ ही साथ में इस वीडियो में बताते जा रही हूँ, बट इसमें क्या है कि फिफ्थ एडिशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बट नॉलेज के लिए आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NABH में कहीं भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपने नाइट शिफ्ट में ही जो है इंस्पेक्शंस करनी है, अपनी फैसिलिटी राउंड्स करने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो नाइट शिफ्ट वाले होते हैं वो मुझसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है कि मैम क्या हम कर सकते हैं नाइट में फैसिलिटी राउंड, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं नाइट में। ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल नाइट शिफ्ट में, अगर आपके पास सुपरवाइजर्स हैं, आपके सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल आप नाइट में राउंड
कर सकते हैं। तो आप प्लान उस अकॉर्डिंग कर लीजिए कि कुछ जो है आपने डे शिफ्ट में किया, कुछ आपने नाइट शिफ्ट में किया। ये जस्ट मतलब ये NABH नहीं बोलता है, ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि एक दिन में जो है फैसिलिटी ऑडिट राउंड कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप शिफ्ट वाइज जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको 2 से 3 दिन का भी प्लान कर सकते हैं कि आपने मतलब ये प्लानिंग आपने अपना ही शेड्यूल बनाना है कि आपने 5 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने 2 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, आपने 1 डे के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप नाइट में भी कर सकते हैं राउंड, सेम ही चेकलिस्ट जो है आपने दोनों शिफ्ट्स में देखनी है राउंड करने के टाइम पे, ताकि आप जो है कंपेयर कर सके अपनी शिफ्ट वाइज फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाएगा आपका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना। अब मैं जस्ट आपको एक शिफ्ट्स का एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है जो आपने लॉक करके ही रखना है, ऑल द टाइम आपको लॉक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और आपकी जो की है उस पर्टिकुलर चीज़ की वो आपने एक जगह रखी हुई है और आपको पता है कि बहुत ही कम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों शिफ्ट्स में ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल द टाइम वो आपका जो है वो क्लोज होना चाहिए और लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो कंसर्न पर्सन है उसको लॉक करके रखते हैं दोनों शिफ्ट्स में कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों शिफ्ट्स में प्रेफरेबल है कि आप राउंड करें। बेटर होगा कि आपकी जो राउंड्स हैं वो आपकी सेफ्टी कमेटी ही करें, जो हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी है। इस कमेटी में क्या है, आपके जो मेंबर्स हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़रूर हों, ठीक है, ताकि आपकी जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की सेफ्टी है उसको आप इंश्योर कर सकें। इसीलिए बेटर है कि अगर आप 2 सेफ्टी कमेटी बनाएं, अगर आपके पास मैन पावर ज़्यादा है आप 2 सेफ्टी कमेटीज बनाएं, एक कमेटी जो आपके पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड होगी, दूसरी कमेटी जो आपकी हॉस्पिटल सेफ्टी कमेटी होगी, ठीक है। एक जो है वो पर्टिकुलर पेशेंट सेफ्टी ही देखेगा, दूसरा जो है पर्टिकुलर हॉस्पिटल सेफ्टी ही देखेगा। अब ये भी मैंने आपको बताया आपके मैन पावर पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास मैन पावर इतनी नहीं है तो आप सिर्फ हॉस्पिटल सेफ्टी कमेटी ही बनाएं। आप ये जो 2 कमेटीज बनाएंगे, आपकी पेशेंट सेफ्टी कमेटी जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखेगी, पेशेंट रिलेटेड केयर या सर्विसेज को लेके, ठीक है। जो हॉस्पिटल सेफ्टी कमेटी है वो आपकी पेशेंट केयर से बिल्कुल भी लिंक नहीं करेगी, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपने बिल्डिंग से रिलेटेड देख लिया, कुछ ऑपरेशनल चीज़ें देख ली, फंक्शनल चीज़ें देख ली, इन इश्यूज़ को है वो एड्रेस करेंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, वो ये है कि फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड को आप रूटीन जो राउंड्स हैं उनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। रूटीन राउंड कहने का मतलब ये है, रूटीन राउंड मींस जो आपकी फैसिलिटीज़ के राउंड होंगे। रूटीन राउंड में आपकी जैसे आप सप्लाईज़ चेक करते हैं, बैकअप सप्लाईज होती हैं, कोई अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं जैसे जनरेटर्स हैं, ठीक है, आपके DG सेट्स हो गए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई है, मेडिकल गैस सप्लाई है, ये डेली राउंड्स में आपने चेक करने ही करने। इसको फैसिलिटी राउंड से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। आपके जो रूटीन राउंड्स होते हैं वो आपकी डेली ड्यूटी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डेली ड्यूटी है कि आपने उसको रेगुलरली रूटीन में चेक करते रहना है और उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। आपके जो जनरेटर हैं वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, आपका ऑल्टरनेट सोर्स जो है जैसे कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, आपके जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं मेडिकल गैस के, कंप्रेस्ड एयर के, वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इसीलिए रूटीन राउंड बहुत ज़रूरी होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, जबकि जो फैसिलिटी राउंड है वो एक तरीके की सुपरविजन हो जाती है कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो जो है आपको अवेलेबल करवाई जाए इन केस अगर कोई कमी निकलती है तो। जब भी आप फैसिलिटी ऑडिट करते हैं उसमें आपके सारे यूनिट्स डिपार्टमेंट कवर होनी चाहिए, हॉस्पिटल बिल्डिंग कवर होनी चाहिए, लोकेशंस कवर होने चाहिए, सारे एरियाज कवर होने चाहिए आपके। अच्छा, और आप इनमें ये भी चीज़ें देखेंगे, कोई फ्लेमेबल चीज़ तो नहीं है, कोई एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस तो नहीं है, कोई गार्बेज डंप्स तो नहीं है, ठीक है, कोई ओल्ड डैमेज्ड, अगर कोई पुरानी डैमेज कोई चीज़ है वो तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने हर एक एस्पेक्ट का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है अपनी सिक्योरिटी और सेफ एनवायरनमेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, कि हमेशा मैं पार्ट्स वाली वीडियोज़ में बोलती हूँ कि पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, जितने भी पार्ट्स बनते हैं उससे पहले बाकी के पार्ट ज़रूर देख लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में इसी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।